हेलो बच्चों, इट्स अ स्टोरी टाइम। शेर की कहानी सुनोगे? चलिए आज हम आपको शेर और मच्छर की कहानी सुनाते हैं। कौन बड़ा? एक शेर था, पेड़ के नीचे सोया था। एक मच्छर आया और करने लगा बिन 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 बिन। शेर ने कहा, मच्छर भाग जा। मच्छर बोला, क्यों भागूं? मैं तुमसे डरता नहीं हूं। शेर को आ गया गुस्सा, उसने मच्छर पर मारा एक पंजा। मच्छर तो उड़ गया, पंजा शेर के गाल पर पड़ा। शेर को बहुत दर्द हुई, खाल निकल गई, खून बहने लगा। लेकिन मच्छर क्या कर रहा था? बिन 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 बिन। शेर ने दूसरा पंजा मारा, मच्छर उड़ गया। पंजे से शेर की गाल निकल आई, पंजे से शेर की खोल निकल आई। इतना दुखी हो गया, लेकिन मच्छर क्या कर रहा था? बिन 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 बिन। अब शेर कुछ भी नहीं कर सकता था, चुपचाप उठकर जाने लगा। बेचारा क्या करता, मच्छर से हार गया था ना। मच्छर बोला, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जंगल के जानवर हो या इंसान, सभी अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। और मच्छर वहां से उड़ गया, छोटा सा मच्छर, जिससे शेर हार गया। कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी लगी ना? गुड। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी, अब बताइए कि शेर कैसे बोलता है। वेरी गुड। और शेर को तंग कौन कर रहा था? मच्छर। बिन 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 बिन। ओके गुड। तो आप ये कहानी सबको सुनाइए।